Hello students, in this session we will continue with exercise 3.4 question number second ka sum number first. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Okay, hamare paas ek fraction hai, iske numerator mein agar hum 1 plus kar de aur denominator mein se 1 minus kar de to ye fraction jo hai wo ban jayega 1. अब इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम सिर्फ 1 प्लस कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2. देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. लेट्स डू इट. सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, हमें फर्स्ट सम के अंदर फ्रैक्शन फाइंड करना है और फ्रैक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर. हम अज्यूम करते हैं कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा x अपॉन y. अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. अब इस फ्रैक्शन को हम हमारे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से y माइनस 1 को 1 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. अब ये y को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 को राइट हैंड साइड ले लो, मतलब हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1. सो दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम सिर्फ 1 में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं तो x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2. अब इसको भी हम नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, y प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2x इज इक्वल टू y प्लस 1. वो y को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दैट विल बी लाइक 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन का यूज करके. सो फॉर दैट पहला रूल होता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं, तो यहाँ पे y के ऑलरेडी सेम है और साइन भी सेम है. जब आपको साइन सेम मिले तो हमें दोनों इक्वेशन को करना होगा सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी लाइक 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज और सेकेंड इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू प्लस 2. नाउ 2x माइनस x दैट विल बी लाइक x इटसेल्फ एंड माइनस y प्लस y 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3. ये x का वैल्यू हमें मिल गया है. अब हमें इस 3 को या तो फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. सो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज x माइनस y इज इक्वल टू 2, वट डू वी हैव इज 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. सो दिस विल बी लाइक माइनस y इज इक्वल टू 3 को राइट साइड ले लेंगे, मतलब माइनस 2 माइनस 3. सो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. वे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड y इज इक्वल टू 5. नाउ अब हमारा टारगेट है फ्रैक्शन फाइंड करना. सो फ्रैक्शन विच इज लाइक x अपॉन y विल बी 3 अपॉन 5 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर?